नमस्कार किसान भाइयों, अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्याज की रोप में कौन सी खरपतवार नाशक की दवाई डालें, कितनी मात्रा में डालें और कौन सी अवस्था पे डालें। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यह प्याज लगभग 20 से 25 दिन के हो चुके हैं। इसकी हमने नर्सरी तैयार 19 जून को करी थी और इसमें हमने खरपतवार नाशक की दवाई 4 जुलाई को डाली थी, जिसका रिजल्ट 8 दिन में आ गया था। हमने इसमें सक्रिय पत्ती की खरपतवार नाशक डाली थी, जिससे कि सारा सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार मर गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें प्याज पे किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं आया है। हमने इसमें 20 दिन की अवस्था पे खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था, जिसकी मात्रा हमने निम्न अनुसार 18 ml रखी थी, जिसमें टेक्निकल था प्रोपाक्यूजाफोप 10%, जो कि एजिल ब्रांड नेम से आता है, जो कि अडामा कंपनी का होता है, उसका हमने स्प्रे किया था। इसमें प्याज पे किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं आया और सारा हामा खारिया सक्रिय पत्ती वाला चारा मर गया है। अगर किसान भाइयों आपके भी प्याज की नर्सरी में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हैं, तो आप सक्रिय पत्ती को नष्ट करने के लिए प्रोपाक्यूजाफोप 10% इसी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अन्य प्रोडक्ट जैसे कि क्यूजलापोप इथाइल 10% या क्यूजलापोप इथाइल 5%, जो कि हकामा इंसेक्टिसाइड और तरगा सुपर धानुका में उपलब्ध होता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि सारी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएगी। इसका डोज आप 18 से 20 ml रखें, क्योंकि अभी नर्सरी में जो प्याज हैं वो छोटा है, तो किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं आए और सारा खरपतवार मर जाए। किसान भाइयों, अगर आपकी नर्सरी में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे उसका हम समाधान कुछ समय में कर सकें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ में बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि नए आने वाले वीडियो उन तक पहुंच सकें। जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा नर्सरी है, जिसमें प्याज अभी रुपाई लायक होने वाला है। कुछ समय में हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। इसके लिए हमने खेत भी प्रिपेयर किया है। अगले वीडियो में हम आपको किस प्रकार से नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए खेत को तैयार करते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें हमने कुछ समय पहले रस चूसक कीड़ों के लिए भी स्प्रे किया था, जिसमें हमने इमिडाक्लोरोबिट और M45 मेनकोजेब 75% का स्प्रे किया था, जिससे कि इसमें किसी प्रकार से कोई फंगस नहीं है और प्याज ख़त्म होने की समस्या भी नहीं है। किसान भाइयों, आपको प्याज की नर्सरी में कौन सी समस्याएँ ज़्यादा आती है वो हमें बताएँ, जिससे कि हम उसका समाधान कुछ समय में कर सकें। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हिंद।